Assalamu alaikum, my dear all students. How are you? Hope so you're all fine. This is your mathematics class for class 2 and your topic is multiplication. लास्ट लेक्चर में भी हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था, बट वो टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन थे. कितने डिजिट थे? टू. आज हम किसे करेंगे? थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टेबल की लर्निंग होना ज़रूरी है. इट्स कंपल्सरी. जी, आपको टेबल्स आने चाहिए, अंडरस्टैंड, और डॉजिंग में आने चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है HTO. हम टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में ओनली TO यानी कि टेंस और वंस राइट करते थे. अब थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या राइट करेंगे? 100. H मीन्स 100, T टेंस, O वंस. तो हम 100 टेंस एंड वंस राइट करेंगे. 124 है तो 100 यानी 100 में 20 प्लस 4 ऐड करते हैं तो ये 124. तो इट्स मीन कि जो 4 है वो कहाँ पे राइट करेंगे हम? वंस के नीचे, एंड टू टेंस के नीचे, एंड 100 के नीचे, क्योंकि 124. अंडरस्टैंड? आपको क्वेश्चन राइट करने का मेथड पता चल गया है. जी, 124 मल्टीप्लाई बाय 4. क्या क्वेश्चन है आपका? 124 मल्टीप्लाई बाय 4. ये मल्टीप्लाई का साइन है. ये साइन जब भी आएगा तो आपने टेबल्स की लर्निंग करनी है. ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं. जी, मल्टीप्लाई द वंस क्या है? मल्टीप्लाई द वंस इट्स मीन कि हम पहले वंस को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो 4 है ये वंस के नीचे राइट है. तो हम पहले वंस को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4 जार और 4 4 जार. आपका आंसर क्या आएगा? सेम, 4 4 जार, 4 4 जार यानी कि 16. अब इस 16 में वंस एंड टेंस दोनों हैं, यानी कि 1 10 है, 1 10 एंड 6 वंस. 1 10 एंड 6 वंस जो है वो 16 बनता है. तो ये जो 6 है ये वंस है, तो हम अपना आंसर जो है वो कहाँ राइट करेंगे? वंस के नीचे, यानी कि 6 वन के नीचे राइट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि टीचर, ये वन का क्या हुआ? जी, इस वन को हमने क्या कर दिया? आगे टेंस पे कैरी दे दिया. जी, क्या किया हमने? टेंस पे कैरी दे दिया. जी स्टूडेंट्स, दोबारा रिपीट करती हूँ. पहले हमने वंस को वंस से मल्टीप्लाई किया है, यानी 4 4 16, 1 6 16, यानी कि 1 10 में 6 वंस को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 16 आता है. तो हम अपने आंसर में 16 कंप्लीट राइट नहीं करेंगे, 6 राइट करेंगे. और 10, ये जो 10 वाला जो 1 है इसे हम कहाँ पे? टेंस पे कैरी दे देंगे. अंडरस्टैंड? और स्टूडेंट, एक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 10 वंस इक्वल 110. 10 वंस को मिलाया जाए तो 1 क्या बनता है? जी, 10 बनता है. 10 वंस को मिलाया जाए तो 110 बनता है. आगे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब 4 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? जी, 4 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? टेंस के साथ. तो टेंस में कौन सा डिजिट राइट हुआ हुआ है? 2. 4 2s are 8. 4 2s are, वेरी गुड, 4 2s are 8. अब आप सोच रहे हैं कि टीचर, 8 तो हम यहाँ राइट कर दें, बट ये 1 का क्या होगा? जी, हम क्या करेंगे? 8 को 1 में प्लस करेंगे. 4 2 are 8 यानी कि 8 और 1 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे. तो प्लस करने से क्या आएगा हमारे पास? 9. तो हम यहाँ पे क्या, ये प्लस कर लें. आप फिंगर्स देखें, 5 फिंगर्स प्लस 3 फिंगर्स, 8 फिंगर्स. नाउ नेक्स्ट 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9 आएगा. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई द हंड्रेड्स, मल्टीप्लाई द हंड्रेड्स. अब 100 में कौन सा डिजिट राइट हुआ हुआ है? 1. तो इट्स मीन के हम 4 को
फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर वन जार क्या होता है? फोर। फोर वन जार या वन फोर जार? फोर आंसर आएगा आपका। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? फोर। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। बाकी कुछ मजीद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके इस तरह से ही सॉल्व होंगे। और स्टूडेंट्स, आपको टेबल की लर्निंग होना बहुत कंपलसरी है और उम्मीद करती हूँ कि आप टेबल की लर्निंग जो है वो अच्छी तरह से करेंगे। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन एफ है, यानी 100 टेंस एंड वंस एज इट इज राइट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करेंगे 224। क्या क्वेश्चन है आपके पास? 224 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई बाय ये कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 का टेबल हम पहले कहाँ तक रीच करेंगे? 4 4s are 16 का ये डिफरेंट कलर से मैंने वंस को हाईलाइट किया है 6, तो 6 हम वंस के नीचे राइट करेंगे एंड 1 हम क्या कर देंगे? कैरी दे देंगे। अब 4 का टेबल हमने कहाँ तक? टेंस के उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से। 4 2s are 8 और 8 में ये वाला 1 हमने क्या किया है? ऐड किया, तो हमारे पास 9 आ गया। नेक्स्ट क्या है? 4 2s are, अब हम नेक्स्ट वाले 100 वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह से करेंगे, 2 5s are 10। 10 आपके पास आया, 10 का 0 आप नीचे राइट करेंगे और 1 कैरी, और 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर 2 का टेबल 4 तक रीच करेंगे, 2 4s are 8। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व किए हैं। आपके असाइनमेंट पैक पे भी सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।